गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? तो जोश कैसा है? तो गाइज, आज हम पहुँचे कैप्सूल नंबर 3 करंट अफेयर्स की। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हम सारी कवर कर रहे हैं द हिंदू से, जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी से। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम कैप्सूल 1 और कैप्सूल 2 दोनों कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो फटाफट जाइए और देख के आइए, क्योंकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना छूटे। क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, तो आपको 100% स्कोर करना है। सो गाइज, नाउ मूव टू द न्यूज़। क्या इंपॉर्टेंट है आज, फटाफट देखते हैं। सो गाइज, हम काफ़ी न्यूज़ कवर कर चुके थे, तो यहाँ पर बारी है। यहाँ पर क्या एक पंजाब की न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा सोशली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, दैट इज़ ऑफ चॉपिंग द पुलिस मैंस हैंड। क्या हुआ है कि 11 लोग थे वहाँ पर, निगांस एक ग्रुप है वहाँ पर सिख का, जिन्होंने पुलिसमैन के ऊपर अटैक किया है, क्योंकि वो गुरुद्वारा में उनको एंट्री नहीं होने दे रहे थे इस कारण। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इवन दो सोशल मैसेज है, ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट राफेल। जो हमारे राफेल्स थे जो फ्रांस से आने थे, पेंडेमिक के इफ़ेक्ट के वजह से वो वहाँ से नहीं आए हैं। वहाँ पर एक हमारी ट्रेनिंग भी होनी थी जो 3 से 5 वीक के लगभग चलनी थी, वो ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि फ्रांस के वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोथ पर और जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी। तो गाइज, पूरा ही पेंडेमिक इफ़ेक्ट है। इससे जो राफेल की जो टाइम है, शेड्यूलिंग है, वो भी लेट हो गया, वो भी पोस्टपोन हो गया। हमारे IPL जो है वो भी इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो रहे हैं। मतलब कोई न्यूज़ नहीं है फिलहाल, बट इवन दो वो पोस्टपोन होने ही वाले हैं IPL भी। तो यहाँ सर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट राफेल। राफेल की जो ट्रेनिंग थी जो फ्रांस से आने वाले थे, क्योंकि फ्रांस में भी लॉकडाउन चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स को जो राफेल मिलने वाले थे उसमें भी क्या हो गया है, डिले हो गया पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर क्या है, जो मैंने दिल्ली वाली जो कैप्सूल 2 में रह गई थी बतानी, वो कैप्सूल 3 में कवर है। दैट इज़ जो ESIC हॉस्पिटल है, ESIC हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स ने क्या किया है, दे आर वियरिंग अ ब्लैक बैंड। उन्होंने ब्लैक बैंड इस एक वाइट और ब्लैक, ब्लैक बैंड क्या शो करता है कि दे आर नॉट सपोर्टिव, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे किसी चीज़ को, इसलिए उन्होंने ब्लैक बैंड पहना है शोल्डर्स पर। क्या है यहाँ पर, जो जूनियर डॉक्टर्स यानी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो जा चुके हैं, और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके पास एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर सर्विस नहीं है वहाँ पर। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ऑपरेशन शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अनटच्ड रह जाती हैं। कल हमने न्यूज़ देखी थी कि जो लगभग 15 के आसपास सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उन्होंने लेफ्ट कर दी है अपनी जॉब, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए एकोमोडेशन नहीं है। और यहाँ पर कल भी ESIC से जो न्यूज़ आई है, दैट इज़ कि एकोमोडेशन नहीं है फॉर नर्सेज, और होटल्स में नहीं है। सो नर्सेज को भी एक रूम विद अटैच्ड बाथ होना चाहिए, बट इवन दो वो बोल रहे हैं कि एक नर्स, दो नर्स को एक रूम, कॉमन रूम शेयर करने की बात हो रही है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज को अकोमोडेशन नहीं है वहाँ से, उन्होंने इसलिए उन्होंने ब्लैक पैंट पहना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है, दैट इज़ मॉडिफाइड लॉकडाउन शुड बी इन्फोर्स आफ्टर April 14th। गहलोत जी का कहना, जो राजस्थान से हैं, राजस्थान के CM, उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के नॉर्म्स को चेंज हो जाने चाहिए, मॉडिफाई करके हमें लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं वहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे सेक्टर्स में बहुत मतलब हमारा लॉस हो जाता है। तो इस केस में जहाँ पर सही कहना है, जो जहाँ पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने भी प्लान किया है, वहाँ पर 3 तरह की जोन बनाई गई है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। यानी जहाँ पर हॉटस्पॉट ज़्यादा है वहाँ पर रेड, और जहाँ पर कम है ऑरेंज, और जहाँ पर बिल्कुल कम है, दैट इज़ नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, वहाँ पर ग्रीन जोन। तो गाइज, कल भी हमने डिस्कस किया था पलवल, नू, गुरुग्राम, ऐसे जो जोन है उनको रेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ऐसे ही गहलोत जी भी कह रहे हैं कि मॉडिफाइड लॉकडाउन हमें करना चाहिए। असम की यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, असम की में से टोटल अभी तक 1450 लोग अरेस्ट हो चुके हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो गाइज, तेलंगाना ने भी पोस्टपोन कर दिए अपने ओल्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उन सबको पोस्टपोन कर दिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ फ्रॉम बिहार। बिहार ने
जो स्कूल्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं यानी सिक्स टू लेकर ट्वेल्थ क्लास तक, उनके लिए एक ऐप लॉन्च की है, यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है उनायान। उनायान नाम है जिसका मोटिव क्या है, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, यानी मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऑल इंडिया रेडियो के साथ की गई है ताकि ऑल इंडिया रेडियो उनको ऑडियो प्रोवाइड कर सके टीचिंग मटेरियल की, और जो ये ऐप है उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सके, वीडियो प्रोवाइड सके। तो बिहार ने ये लॉन्च किया, याद रखना स्टेटहुड बिहार कब बन गया था, 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल पटना है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर फागू चौहान जी है और सीएम नीतीश कुमार है, लेजिस्लेटिव बाई कैमरल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी है 75 सीटें, असेंबली में कितनी है 243 सीटें। नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो कैमरी है सीएमईआरआई, उन्होंने लोड कोस्ट डिसइंफेक्ट वॉक, सॉरी इट इज़ अ लो कॉस्ट डिसइंफेक्ट वॉकवेज, यानी वॉकवे क्या होता है जिसमें से आप चल के जाओगे और उसको डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, यानी ये इतना सस्ता इन्होंने मेड किया, यानी 1.5 लाख के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है, और ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने ये किया है, लो कॉस्ट वॉकवे डिसइंफेक्टिव वॉकवे इन्होंने डेवलप किया है जो 20 से 30 सेकंड में लोगों को डिसइंफेक्ट कर देता है। या एक लिक्विड है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर है, सोप का मिक्सचर है और इथेनॉल का मिक्सचर है जो सस्ता पड़ रहा है काफ़ी, तो यहाँ पर इन्होंने किया है, काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो याद रखना दैट इज़ सीएमईआरआई यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे यूरोप से है, यूरोप ने ईस्टर डे यानी यहाँ पे संडे को ईस्टर संडे ईस्टर मनाया गया था, जहाँ पर टोटल जो उस दिन भी जो डेथ है दैट इज़ अराउंड 75,000 टोटल वहाँ की डेथ। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से, तो वो थैंक कर रहे थे नेशनल हेल्थ सर्विस को। सो गाइज आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, मे बी सेशन थोड़ा फास्ट हो गया हो, कल से देखते हैं, कल से अपनी स्पीड कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वरिगन यूट्यूब चैनल को, और पक्का से पक्का शेयर करें ताकि कैप्सूल 3, कैप्सूल 1, कैप्सूल 2 अगर आपने नहीं देखे वो भी देखो और शेयर करो। सो थैंक यू गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।